जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने आज कहा है कि शहरी क्षेत्र में शराब दुकानें बिल्कुल नहीं खोलेंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की शराब की दुकान पर विचार किया जा रहा है। जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने आज कहा कि शहरी क्षेत्र की शराब दुकानें बिल्कुल नहीं खुलेंगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की शराब दुकानें खुलने पर विचार चल रहा है। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि शहर के लगभग 300 सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक चालू कर दिए गए हैं। जनरल प्रैक्टिशनर के लिए दिशा निर्देश तय किए जा रहे हैं। इन्हें एक ऐप दिया जाएगा जिसके माध्यम से यह सर्दी खांसी और कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की जानकारी दे सकेंगे। कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान में हम 25 से 30 क्षेत्रों पर फोकस कर रहे हैं, बाकी क्षेत्रों में किस तरह से कमर्शियल एक्टिविटीज प्रारंभ करना है इस पर डिटेल वर्किंग चल रही है। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि सिटी जोन एरिया को किसी भी तरह से छूट नहीं दी गई है। यह क्षेत्र रिगल से बड़े गणपति तक कलेक्टर कार्यालय से राजकुमार ब्रिज होते हुए बड़ी माता चौराहे तक रहेगा। कलेक्टर ने कहा कि फोर्थ लॉकडाउन लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस जारी की है, परंतु यहाँ की स्थिति को देखकर निर्णय लिया जाएगा। देखिए, शराब की दुकानें शहर में तो अभी नहीं खुलेंगे, अभी उसका पृथक से कोई आदेश नहीं किया है, पर ग्रामीण में चूंकि सभी एक्टिविटीज़ हम लोग खोल चुके हैं, तो आज मैंने ग्रामीण के जो एक्साइज की टीम है हमारी, उसको बुलाया है, और इसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी इन्वॉल्व रहता है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को रेवेन्यू को देखते हुए हम लोग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, रोजगार भी बढ़ेगा, उससे गवर्नमेंट की इनकम भी बढ़ेगी, तो उसको देखते हुए उसे विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग ग्रामीण की जो दुकानें हैं, कॉन्ट्रैक्ट की दुकानें हैं, खोल सकें। पर ग्रामीण की दुकानें खोलना जरूरी है और उसको रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से खोलेंगे भी। तो प्लानिंग क्या होगी, कुछ हमने सोचा? 8:30 बजे हमने एक्साइज की टीम बुलाई है कि किस प्रकार से उन दुकानों को मैनेज किया जाएगा। एक दो कॉन्ट्रैक्टर्स को भी बुलाया है जो लोग डील करते हैं वहाँ पर, कि किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए करेंगे। मुझे लगता नहीं कि बहुत दिक्कत आएगी, मैनेज कर लेंगे। देखिए, इसमें भी हम लोग अलग अलग चरणों में कर रहे हैं। जितनी सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स थी लगभग 350 थी शहर में, जिसमें कि आई हो गई, डायबिटिक हो गई, हार्ट की हो गई, स्किन की हो गई, ऐसी जितनी सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स थी वो हमने चालू कर दी हैं। अभी हम लोग जनरल प्रैक्टिशनर्स करीब 1,000-1,500 हैं, ऐसे चर्चा हुई है हम लोगों की। ये आज SOP बना रहे हैं ये लोग कि क्या सावधानी बरती, क्योंकि डॉक्टर्स हैं सब, ये भी बहुत सचेत हैं अपने कार्य के प्रति, तो इनको भी हम लोग SOP आज फाइनल कर लेंगे इनकी। और इंदौर मेडिकल एसोसिएशन भी हम लोगों को इसमें सपोर्ट कर रहा है, और उसको इनको अनुमति देंगे, फिर इनके साथ भी इनको ऐप भी देंगे हम लोग, कि इनके संपर्क में अगर कोई भी कोई सर्दी खांसी जुकाम का पेशेंट आता है तो उस ऐप में हम लोग उसको अपलोड कर देंगे वो, जिससे कि हम लोग इमिडिएटली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आईली सारी का है, फिर हमारी टीम जाके चेक कर सकेगी उसको। इसके बाद फिर ये डेंटिस्ट का जो आपने बोला है, करीबन 400-500 डेंटल क्लिनिक्स हैं यहाँ पर, तो इसके बाद हम लोग डेंटल क्लिनिक के बारे में विचार करेंगे। उनकी SOP लगभग ऐसी ही रहेगी कि वो सावधानियाँ क्या बरतनी है खोलते समय या पेशेंट को देखते समय, हल्की सी डेंटल में थोड़ा चेंज होंगी SOP, तो डेंटल वालों के साथ में बैठ के हम लोग उसको भी चेंज करके उसको भी अलाउ करेंगे। देखिए, गवर्नमेंट से चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमेशा सजेस्टिव एक डायरेक्शन देते हैं, गाइडलाइंस देते हैं। ये जो चीज़ें इंदौर में हो रही हैं वो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी ही गाइडलाइंस में हम लोग उसके अकॉर्डिंग पहले ही कर चुके हैं हम लोग, पर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाना है। अभी हम लोगों का केवल फोकस है, लॉकडाउन तो चलेगा शहर में अभी, और शहर की जो अंदर सीमा की 29 गांव के अंदर की नगर निगम की सीमा है, दुकानें भी अभी कोई ऐसी नहीं खुलेंगी, अन्यथा कोई परमिशन दी हो एसेंशियल कम्युनिटीज़ की, और एसेंशियल कम्युनिटीज़ में भी डोर टू डोर ही प्रमोट किया है हम लोगों ने। पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जरूर उठाएंगे इस 15 दिन के पीरियड में भी, उसमें जैसे आपका बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को हम लोगों ने साविर रोड की पोलो ग्राउंड और A2F सेक्टर में परमिशन दी है अभी, उसको उस पर वर्किंग कर रहे हैं हम लोग कि क्यों ना उसको वन टाइम, उसको जो लोग भी करना चाहें, खोलना चाहें, जो लेबर वहाँ पर रख सकते हैं उनको वन और एक ऑर्डर से हम लोग उसको अनुमति दे दें उसको। इसी प्रकार से पालदा में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ चल रही, पालदा में ज़्यादातर ये दाल मिल, आटा मिल, रवा मैदा की, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, आगे और भी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें ऑलरेडी बहुत सारी खुली हुई हैं अभी, जो शुरू से खोल रखी थी एसेंशियल कम्युनिटीज़ होने का, तो वहाँ भी सिंगल ऑर्डर से खोल दें, जो वहीं रख के लेबरों काम कर सके वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। इस तरह की कंडीशन डाल के भी विचार चल रहा है कि इस 15 दिन के अंदर 31 से पूर्व में। देखिए, 29 गाँव में जो कल आदेश किए हैं, इसमें वहाँ पर जितने भी व्यावसायिक संस्थान हैं, जितनी फैक्ट्रीज हैं, कई सारे ट्रेडिंग हैं, गोडाउंस आ जाते हैं, जैसे रसूड़िया के गोडाउंस आ गए अपने, वो समय भी बिना अलग से पृथक से परमिशन की ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ चालू हो सकती हैं। ये सारी एक्टिविटीज संचालकों को पृथक से अब किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, 29 गांव में जो स्थापित हैं ये।
गोडाउन की वर्किंग और इंडस्ट्रीज की वर्किंग में जो संचालक लोग, चूँकि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसलिए वो उसमें जो समय देंगे उसमें काम कर सकते हैं वो लोग। पर जो व्यावसायिक संस्थान है, अन्य है, या शोरूम हो गया है, या कोई मोबाइल की रिपेयरिंग, मोबाइल फ़ोन की रिपेयरिंग शॉप हो गई, इनमें कई कई जगह ऐसी चीज़ें हैं, अन्य प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हो गई, ये 11 से 5 ही खुल सकेंगी केवल, उसके बाद नहीं खुल सकेंगी, उससे पहले नहीं खुल सकेंगी 11 बजे से। इनमें जो क्लोज्ड कैंपसेज हैं, इसके अंदर कन्वीनियंट शॉपिंग होती है, कई जगह लॉन्ड्री शॉप्स रहती हैं, वो भी खुल सकेंगी। और किंतु जो फल सब्जी का वितरण है वो हम लोगों ने रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है अभी, क्योंकि हमारी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में किराना में जाके सामान लेना, फल कहीं बाहर से अवैध रूप से लेना, या सब्जी कहीं अवैध, इससे बहुत सारे केसेस आए हैं कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में। तो किराना की दुकान और फल सब्जी की दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी है, उसमें ऑर्डर मेंशनड है। किंतु क्लोज कैंपसेस के अंदर अगर ऐसा कोई संस्थान है, क्लोज कैंपस में अगर कोई कन्वीनियंट शॉपिंग है जिसमें कि किराना है, सब्जी है, फल है, तो उसके लिए हमने मना नहीं किया है। पर क्लोज कैंपस से मतलब ये है कि ऐसी गेटेड कॉलोनीज जिसमें बाउंड्री वॉल लगी हुई है, गेट पे एंट्री एग्जिट कोई ना गार्ड लगे रहते हैं, एंट्री एग्जिट कंट्रोल हो रही है। इसके तहत काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हमारी जो भरोसला जैसी जगह पे है, जो कई 29 गाँव में है, जो देवासना का आपका ऑलमोस्ट लसुड़िया में होने से ऑलमोस्ट पूरा ही फ्री हो जाता है काम करने के लिए, पृथक से अनुमति देने की जरूरत नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र को भी हम लोगों ने खोला है, ग्रामीण क्षेत्र में भी जो एंटरटेनमेंट के एरियाज हैं उनको छोड़ करके, जहाँ भीड़ इकट्ठी हो सकती है, कोई शादी ब्याह, सांस्कृतिक कार्यक्रम या कोई हाट बाजार, ये सब अलाउ नहीं किया है हम लोगों ने, जहाँ कोई भीड़ इकट्ठी हो सकती है। और बाकी सभी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, सारे शोरूम्स जो नगरीय क्षेत्र हैं, इसमें दुकानों का संचालन SDM रेगुलेट करेंगे। पर हमने ये इसमें लिखा है कि नगरीय क्षेत्र जो हैं, राऊ हो गया, महू नगरीय क्षेत्र हो गया, गोपाल, गौतमपुरा, बेटमा, देपालपुर, सावेर, नगरीय क्षेत्र के में जो आवासीय रहवास है वो अभी लॉकडाउन में रहेगा। किंतु जिस समय दुकानें खुलेंगी, मान लीजिए किराना की दुकान डेली 2 घंटे खोलने का SDM साहब निर्णय लेते हैं वहाँ पर, तो 2 घंटे के लिए लोग वहाँ किराना दुकान तक जा सकेंगे केवल, इतना तक फ्रीडम दी, बाकी लोग घर पे रहेंगे। अभी एक स्थिति ये रहेगी सर कि अगर कोई इंदौर शहर में रहता है, उसका ग्रामीण क्षेत्र में दुकान है, तो उसको क्या अलग से अनुमति पास से कैसे लेना पड़ेगा? जब तक कि कलेक्टर द्वारा जारी पास नहीं होगा उसका, वो ग्रामीण ये नगर निगम की सीमा से बाहर नहीं जा सकता है। उसमें भी पुलिस के साथ चर्चा हुई थी, और ऑर्डर मेंशनड है कि जो भी ग्रामीण सीमा है हमारी, जो क्राइसिस मैनेजमेंट की अभी बैठक हुई थी, उसमें माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने और माननीय ताई ने ये सजेशन दिया था कि जो शहर में चीज़ें हैं सब कोरोना की, ये ग्रामीण में नहीं जानी चाहिए, और शहर से बहुत सारे लोग ग्रामीण में जा रहे हैं, उसको रोकना ज़रूरी था। उसके लिए ये शहर की सीमाएं सील की हैं, जितने भी ऐसे मार्ग हैं, आज सभी ADM और एडिशनल SPs और SP साहब वगैरह लगे हैं दोनों, कि जितने भी सीमाएं हैं, रोड्स हैं जो जाती हैं शहर से ग्रामीण में, सारों को सील कर रहे हैं। PWD को लगा रखा है हम लोगों ने इसमें सपोर्ट के लिए, और ग्रामीण के जो पंचायत सचिव हैं या जो हमारे ग्राम कोटवार हैं, इनको भी ड्यूटी लगा रहे हैं, जो पंचायतों की जो बॉर्डर आ रहा है यहाँ पर, कि यहाँ से लोग नहीं जाएंगे बिल्कुल। और अगर किसी के ऐसे केसेस आते हैं कि यहाँ रहता है शहर में, ग्रामीण में दुकानें नहीं जा सकता जब तक कि हम लोग के पास नहीं होगा कोई, हमने बैंक्स को भी 29 गाँव में फ्रीडम दी है कि बैंक व्यवहार लोग कर सकेंगे। पर व्यक्ति जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर उसका किसी का है, कोई निपानिया में रहता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, अगर उसके घर की जो निकटतम ब्रांच होगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, वहाँ से वो संव्यवहार अपना कर सकता है। किंतु अगर 29 गांव में वहाँ पर नहीं है कोई उस निपानिया में, तो ऐसा नहीं शहर के अंदर आके वो संव्यवहार कर सकेगा, नहीं है तो फिर नहीं कर सकेगा वो। पर अधिकांश जगह पर ब्रांचेज से लोग कर सकते हैं संव्यवहार, तो बैंकों को भी हम लोगों ने छूट दी है कि इस प्रकार का संव्यवहार हो सकेगा, ब्रॉडली यही है। इसके अलावा सर एक शराब को लेकर, देखिए कंटेनमेंट एरियाज तो जो अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल परसों में ब्रीफिंग हुई थी हम लोगों की, उसमें जिस प्रकार की गाइडलाइंस दी थी ऑलरेडी हम लोग उसी प्रकार से कर रहे हैं, कि जब भी कोई पॉजिटिव किसी क्षेत्र में आता है तो एक प्रैक्टिकल लिमिट को देखते हुए कि कितने एरिया को हमको संभाल कर रखना है, उस प्रकार से हम लोगों ने बनाए हैं। तो वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परसों इसी में पूरे देश को समझाया था, ऑलरेडी हम लोगों ने इस प्रकार से किया हुआ है। चूँकि अपने यहाँ छोटे छोटे एरियाज अब हम लोगों ने कंटेनमेंट हरी जगह बनाए थे, तो उसमें संख्या बहुत हो रही है, जबकि बाकी जिलों में या बाकी शहरों में ये किया है कि संख्या कम रखी है उन्होंने। संख्या ज़्यादा रखने का तात्पर्य ये था कि हर एरिया को हम लोग ध्यान देना चाह रहे थे, और उसको ध्यान देके ठीक करके 21 से 28 दिन के बीच में डी नोटिफाई भी कर रहे हैं। काफ़ी ऐसे लगभग मेरे ख्याल से 40-50 करीब हो चुके हैं, संख्या और भी अभी 2 दिन में कम हो जाएगी। फिर हम लोग फोकस कर देंगे कुछ 25-30 क्षेत्रों को, कि ये 25-30 क्षेत्र हैं, ये वाले एरिया हैं बोला है जिसको कंटेनमेंट जोन नोटिफाई कर देंगे, और उसमें फिर मूवमेंट अंदर बाहर बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड रहेगा जब भी हम लोग खोलना शुरू करेंगे शहर ये।
तो ऐसे एरियाज को कंटेनमेंट एरिया नोटिफाई करके बाकी शहर को धीरे 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 करके खोलना शुरू करेंगे। फिर भी लोग ये जानना चाहते हैं कि जब खुलेगा तब क्या रूपरेखा होगी, तो क्या कोई देखिए हम लोगों ने डिटेल वर्किंग शुरू कर दी है, पिछले 4-5 दिन से चल रही है इसमें, और ब्रॉडली तो 29 पूरे नगर निगम, ग्रामीण में ऐसा कोई इशू नहीं है। ग्रामीण में केवल जो नगरीय क्षेत्र हैं, ग्रामीण के नगर पंचायत नगर परिषद के, उसके वहाँ लॉकडाउन जब दुकानें बंद हो जाएंगी, दुकानें तब खुलेंगी तभी थोड़ा निकल पाएंगे, दुकानें बंद हो जाएंगी तो उन्हें घर में रहना पड़ेगा। उतने ही रिस्ट्रिक्शन अभी हम लोगों ने लगा रखा है, बाकी ग्रामीण ऑलमोस्ट पूरा फ्री कर दिया है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी व्यावसायिक एक्टिविटी है वो लोग प्रारंभ कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट वाली छोड़ करके, जो जिसमें कि भीड़ इकट्ठी हो सकती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, कोई सोशल गैदरिंग नहीं होगी, शादी ब्याह का रिस्ट्रिक्शन से अभी लिमिटेड लोगों में कर सकेंगे वो लोग, 5-10-12 लोगों में कर सकेंगे। बाकी शहर अगर नगर निगम सीमा क्षेत्र देखा जाए तो 3 भाग में हम लोगों ने फेजिंग में इसमें वर्किंग चल रही है हम लोगों की। 29 गाँव वाला जो कल ऑर्डर किया है वो नगर निगम सीमा में आता है, बहुत बड़ा क्षेत्र है वो, उसमें काफ़ी हद तक हम लोगों ने चीज़ें अनुमति दे दी है उसमें। दूसरा आता है हमारा मध्य क्षेत्र, शहर के कोर क्षेत्र जिसमें कि व्यवसायिक गतिविधियाँ दुकानें बहुत सारी हैं, जिसमें वो क्षेत्र आता है। अगर इसकी सीमा देखेंगे तो आप रीगल चौराहे से बस स्टैंड रेलवे स्टेशन सरबटे होते हुए, जूनिंदौर ब्रिज से कलेक्ट्रेट के सामने से होते हुए गंगवाल बस स्टैंड, फिर आगे से बड़ा गणपति सुभाष पार्क होते हुए राजकुमार ब्रिज से फिर नए रेलवे स्टेशन के सामने से अपन वही मेन रेलवे स्टेशन और सरबटे पहुँच जाते हैं। ये जो एरिया है पूरा, इसके अंदर का ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, और यहाँ कंटेनमेंट क्षेत्र भी हमारे बहुत सारे हैं। यहाँ पर शुरुआत में सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में फैला था, तो ये मध्य क्षेत्र भी है और कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे सेंसिटिव क्षेत्र है हम लोगों के लिए। इसको एक अलग जोन बनाया, अलग वर्किंग कर रहे हैं इस पर। जो 29 गाँव हैं नगर निगम सीमा के और ये मध्य क्षेत्र है, इसके बीच का जो एरिया है पूरा, इस पर हम लोग अलग वर्किंग कर रहे हैं, उसको सिटी एरिया बोला है हम लोग। 3 अलग अलग जोन में अलग अलग एरिया में वर्किंग कर रहे हैं। 29 गाँव का में अधिकांश चीज़ें हम लोगों ने कल लिबरलाइज कर दी हैं, कुछ चीज़ें अभी बची हैं, उनको आने वाले समय में उनको हम लोग प्लान करके जैसे भी हम लोग बताएंगे वैसा होगा। पर 29 गाँव में जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, जो छोटी मोटी दुकानें हैं, मान लीजिए कि मोबाइल की हो या कोई